हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्टे होम एंड बी सेफ। तो लास्ट क्लास में हमने आपके 7th क्लास के चैप्टर 1 इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिए थे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिया था, है ना। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 किया था और उसी से रिलेटेड दो मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा, और अगर होमवर्क ना हो पाया, किसी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या फिर जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी तब मैं आपको बता दूंगा सारी प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व कर दूंगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई के वर्ड सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपलीफाई मतलब सॉल्व, आपको सॉल्व नहीं करना है, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो आप बस सॉल्व समझिए, और मैंने आपको इंटीजर्स में साइन रूल समझाए थे कुछ, है ना। तो साइन रूल को हमको फॉलो करते ही रहना है इस चैप्टर में। तो आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। हमें जब भी हम कोई क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वल टू का साइन यूज करना है। ओके, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, हमें इक्वल टू यूज करना है। और सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में क्या कहा था, यदि कोई ब्रैकेट है और उसके अंदर या फिर कोई साइन आपस में पास पास है तो पहले साइन सॉल्व होंगे, उसके बाद नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम पूरी सीरीज देखेंगे। यहाँ देखिए दोनों साइन पास पास है, यहाँ पे भी साइन पास पास है, है ना, और ये ब्रैकेट का सवाल है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले तो साइन सॉल्व करते हैं और जो ब्रैकेट की चीज होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं, बाकी बाद में। हम पहले साइन सॉल्व करते हैं। देखिए 14 माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, मैंने साइन सॉल्व कर दिया, ये प्लस और ये मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करूंगा अंदर, माइनस 32 माइनस और माइनस प्लस। नंबर को मैंने अभी टच भी नहीं किया है ना, आपको नंबर को भी नहीं करना है सॉल्व, पहले साइन सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, साइन सॉल्व कर दी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी तो साइन पास में थे, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो दो साइन जब आपस में नजदीक हो, उनके बीच में कोई नंबर ना हो, तो पहले साइन सॉल्व करेंगे हम। अब साइन सॉल्व तो कर दिया मैंने, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली चीज सॉल्व होती है। ठीक है, हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, इसलिए आप स्टेप को फॉलो करना है आपको, कि पहले आपको नंबर ब्रैकेट वाले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, देखिए एक माइनस का एक प्लस का है, और मैंने आपको बताया था एक माइनस और एक प्लस का नंबर होता है तो क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। यदि कोई भी दो साइन डिफरेंट है तो हमेशा आंसर आप माइनस ही समझ के चलिए, और साइन सेम है चाहे वो माइनस माइनस हो तो भी प्लस ही होता है, और यहाँ पे माइनस और प्लस है तो ये माइनस हो रहा है। अब माइनस हो रहा है तो हमको इन नंबरों को क्या करना है, माइनस करना है इन साइन के अकॉर्डिंग। तो बड़े में से छोटा 32 में से 15 माइनस करेंगे, कितने बचते हैं 17 17 बचते हैं, तो हम यहाँ 17 लिख देते हैं। अब मैंने ये कहा था कि जब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो साइन किसका यूज करते हैं, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 32। बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 32 माइनस का है तो ये 17 जो है हमारा माइनस का है। अब आप बोलोगे सर एक प्लस पहले से, तो प्लस बाहर वाला था, ये माइनस का है तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद वापस दो साइन पास में आ गए, पास में आ गए ना, और जो दो साइन जब पास होते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, साइन सॉल्व करते हैं। तो हम पहले वापस इस साइन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नंबर को आपको सॉल्व करना है, पहले नंबर को आपको छूना ही नहीं है। ठीक है, 18 और 14 ऐसे भी लिखेंगे हम, और साइन क्या है, प्लस माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे और 17। अब देखिए मैंने साइन पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, कोई भी दो साइन आपस में पास पास नहीं है। अब साइन सॉल्व हो चुके, अब हमें इनको सॉल्व करना, देखिए प्लस ये दो नंबर प्लस के, ये माइनस के, तो पहले प्लस वालों को आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे हम। तो 14 प्लस 18 कितने होते हैं, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो आप रफली जो आप तरीका कर सकते हो, 8 4 2 12 1 कैरी 1 1 2 3 32 हो रहे इसका सम। ठीक है, 32 और माइनस का 17 बचा हुआ है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो 32 आया, और अब 17 माइनस क्या, तो एक प्लस एक माइनस क्या होता है, माइनस। अब 32 में से 17 माइनस कर लो, पहले हमने क्या था, 32 में से 15 माइनस, तो 17 आया था, तो रिवर्स कर लो, 32 में से 17 जाएगा तो 15 आएगा, है ना। अगर हम 15 माइनस करें तो 17 आ रहा था 32 में, तो फिर 32 में से 17 करेंगे तो 15 आएगा। यहां से हमारा ये जो रफ वर्क है वो वर्क हमारा काम में आ रहा है, तो यहां हमारा आंसर 15 आ रहा है। अब मैंने कहा था कि आंसर में साइन उसका होता है जो बड़ा नंबर होता है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 32, और 32 प्लस है, और प्लस के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये आपका फाइनल आंसर है 15। ओके, तो इस टाइप के अगर सिंपलीफाई के क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स आपको
डायरेक्शन। तो बोर्ड मार्क्स को भी फॉलो करते आ रहे हैं हम और साइन रूल को। तो स्टूडेंट पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। ओके स्टूडेंट, तो आपने 7 क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको 8 क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। इसका आंसर आपकी बुक में नहीं है, आंसर की में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये वेरी सारा क्वेश्चन है। मतलब कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो बात सही है या गलत है, है ना। अगर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देखिए। इफ यानी कि अगर a is equal to minus 10, अगर a की वैल्यू minus 10 है, b is equal to minus 4, और b की वैल्यू हम minus 4 मानते हैं, ठीक है, b की वैल्यू minus 4 मानते हैं, तो so that यानी कि आप बताइए, so that करके दिखाइए कि a minus b is not equal। ये देखो not equal का sign, equal का sign ये होता है, और equal के ऊपर अगर ऐसे line चला दें हम, तो ये not equal कहलाता है कि a minus b is not equal to b minus a। ये कह रहे हैं कि अगर a और b की वैल्यू ये है minus 10 और minus 4, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो वो कह रहा है कि a minus b जो कि b minus a के बराबर नहीं है, तो है या नहीं है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू तो हम पहले वो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम पहले ऊपर ये भी लिख देंगे LHS एंड RHS, ठीक है, ये दो साइड होती है, ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड, है ना। अब मैं यहां खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड साइड यही है, लेफ्ट हैंड साइड यही है, हम इस तरह से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है कि a माइनस b जो है वो b माइनस a के नॉट इक्वल है, ये कह रहा है। तो हम देखते हैं कि नॉट इक्वल है या नहीं है। तो a की वैल्यू क्या है माइनस 10, तो a की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का साइन इस क्वेश्चन का है जो कह रहा है, और ये माइनस जो इन नंबरों के है, तो आप उनको मिक्स मत कर देना। देखिए a की वैल्यू क्या है माइनस 10, तो a की वैल्यू मैंने माइनस 10 लिख दी। माइनस को अगर कोई नंबर का माइनस है तो उसको आप ब्रैकेट में रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ये सबसे आगे इसलिए तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बीच में आया तो जरूरी होता है। अब ये माइनस है, a की वैल्यू मैंने लिख दी, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। b की वैल्यू क्या है माइनस 4, तो b की वैल्यू माइनस 4। अब ये b की वैल्यू का माइनस है, ये माइनस तो इस क्वेश्चन का है, समझ गए, ये इसका है और ये माइनस इस 4 का है। और आगे क्या कह रहा है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल तो हम लास्ट में देखेंगे, अभी मैं नॉट इक्वल का साइन नहीं लगा रहा बीच में, ठीक है, अभी हम इक्वल टू के साथ चलते हैं। अभी नॉट इक्वल लेते चलो, अगर इक्वल आ गया तो हम इक्वल कर देंगे कि ये बात गलत है, और नॉट इक्वल आ गया तो फिर सही है। और बी, चलिए बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है बी की वैल्यू क्या है माइनस 4, माइनस ये वाला माइनस, ए की वैल्यू क्या है माइनस 10, ए की वैल्यू माइनस 10 ले ली। चलिए अब देखिए, मैंने आपको सिखाया है कि हम साइन पहले सॉल्व करते हैं, तो हम साइन पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दो साइन पास पास आ रहे हैं नजदीक में, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस बन जाएंगे, और फिर ये फोर एज इट इज लिख देंगे, और आगे वाला जो माइनस 10 है वो माइनस 10 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। चेंजमेंट कब करना है, जब दो साइन पास में हो, ये हो गया, नॉट इक्वल का साइन लेते रहिए साथ में। अब यहाँ पे भी दो साइन पास में, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये माइनस फोर एज इट इज लिख देंगे, और ये टेन भी एज इट इज लिख देंगे। अब हमने क्या किया, साइन सॉल्व कर लिया, हमने साइन सॉल्व हो गया। अब साइन के अकॉर्डिंग नंबर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का टेन है, यहाँ प्लस का फोर है, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो नंबर में क्या होगा माइनस, तो टेन प्लस फोर में सिक्स, और मैंने क्या कहा था बड़े नंबर का साइन आता है, तो बड़ा नंबर कौन है टेन, तो टेन के आगे माइनस है तो हम इसके आगे माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं अभी नहीं लगा रहा, नॉट इक्वल पहले चेक करते हैं, नॉट इक्वल अपने आप आ जाएगा। तो 10 और 4 यहाँ प्लस माइनस है तो क्या होगा माइनस, ऑब्वियसली, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 4 में यहाँ पे भी 6 आ गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस प्लस, तो बड़े नंबर के पास क्या साइन है, बड़े नंबर का साइन प्लस का है, तो ये जो हमारा रिजल्ट है तो प्लस का है, और प्लस के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड तो आंसर माइनस 6 आ रहा है, और राइट हैंड साइड हमने चेक किया कि प्लस का 6 आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर है क्या, नहीं, प्लस माइनस बराबर नहीं है, 6 और 6 प्लस 6 और 6 बराबर हो सकते हैं, माइनस 6 और माइनस 6 भी बराबर होता है, बट यहाँ प्लस माइनस का 6 आ रहा है, यहाँ प्लस का 6 आ रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ कहेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, HP का मतलब होता है हैंस प्रूफ, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया। अब अगले बड़ी क्लासों में आप आ रहे 7 में, आगे 8 में, 9 में, 10 में पढ़ोगे, तो आपको सारे क्वेश्चन इस टाइप के प्रूफ करने पड़ते हैं, जिसमें हम HP लिखते हैं हैंस प्रूफ, यानी कि आपने इस क्वेश्चन को साबित कर दिया कि ये क्वेश्चन जो कह रहा था वो सही है। ओके, तो हम इसको इस
स्टेप से करना है, इसका आंसर आपके बुक में नहीं है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने क्लास में नोट डाउन कर लिया होगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये दो क्वेश्चन मैंने आपकी तरफ से दिए, आप इसको 7 का सेकंड और थर्ड पार्ट करके अपनी कॉपी में होमवर्क में नोट डाउन करेंगे। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आप सेल्फ करिएगा ताकि मुझे भी पता चले आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो बाकी के जो दो क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।